हाय फ्रेंड्स, मैं किरण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है टेक्निकल स्वराज्य। गाइस, आईटीबीपी रिक्रूटमेंट हो रही है। यहां पे टोटल नंबर पोस्ट की बात करें तो 121 पोस्ट आपको यहां पे मिल रहे हैं। पोस्ट की बात करें, कांस्टेबल की पोस्ट है और जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की आपको यहाँ पर पोस्ट मिल रही है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है गाइस? सभी भारतीय कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर आप केवल केवल 10वीं पास हो तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। अंतिम डेट की बात करते हैं, 21 जून 2019 इसकी अंतिम डेट है। तो आपको जितना जल्दी हो सके आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है। इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए और देखते हैं इसका रिक्रूटमेंट जो हो रही है ITBP पुलिस में, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हम देखेंगे। गाइस, ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हो तो नीचे आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल एंड जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स पर्सन 2019 इन ITBP, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इस प्रकार का PDF आपको खुल के आएगा, ठीक है। तो इसे जानकारी मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, कहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन होगी, ठीक है। तो सारी बात हम जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, मैंने शॉर्ट मेल इसे लिख के एक वर्ड पैड पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप हम वो देखेंगे सबसे पहले। तो गाइस, जैसे आप हमारे होम स्क्रीन पे देख पा रही हो, ये जो डिपार्टमेंट है गाइस, ये है ITBP का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं, कांस्टेबल और जनरल ड्यूटी की आपको यहाँ पे पोस्ट मिल रही है। टोटल नंबर पोस्ट की यहाँ पे बात करते हैं, 121 पोस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट की यहाँ पे बात कर सकते हैं गाइस, अगर आपकी उम्र 18 साल या कम से कम 23 साल है तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। OBC को 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। SC ST के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। लास्ट डेट की बात करते हैं, 21 जून 2019 इसकी अंतिम डेट है। और यहाँ पे अभी इसके सैलरी की बात करते हैं, जो आपको तनख्वाह मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो 21,700 से लेके आपकी जो उसके साथ ग्रेड पे मिलेगा, फिर मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको, कैंटीन कार्ड मिलेगा, राशन मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया हो सकती है, कहीं पर भी आपकी जॉब लग सकती है। एप्लीकेशन जो मोड है गाइस, आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वेबसाइट है मैं आपको अभी जो मैंने आपको अभी दिखाया, आपको उसी वेबसाइट पे आना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आवेदन करना है, तो मैं आपको वो आगे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं आगे जाके, तो अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं गाइस, अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, उनमें से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ का DD जो बल्कि आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑफलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी जो SC और ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको यहाँ पे किसी प्रकार की फ़ी देनी नहीं होगी। आपका सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा। तो गाइस, सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल टेस्ट होगी। तो फिज़िकल टेस्ट जो है गाइस, मैं आपको वो जो बाकी की जानकारी है मैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर है, तो मैं उसके ऊपर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने वो जो जानकारी वहाँ पे मतलब यहाँ पे थी, तो मैंने वो शॉर्ट में करके आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको एजुकेशन मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया OBC को 3 साल का मिल रहा है, SC ST को यहाँ पे 5 साल का मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे भैया कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसमें तो सभी भारतीय के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, ये पहली बात आप तो सुन लो, ठीक है। अभी हाइट की बात करते हैं, तो 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और जो चेस्ट है गाइस, बल्कि मेल को होती है, तो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करता है ना, उनके लिए। अभी यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है, जो मराठा, डोगरा, गोरखा, ठीक है, उनको है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो अगर उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, पर आपकी जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर के आगे होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे ध्यान में रखना है। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो उनकी चेस्ट है गाइस मेल के लिए, ठीक है, जो पुरुष है उनकी जो चेस्ट नापी जाती है 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको बहुत अच्छे से फुलाना ही है, ठीक है, तो ही आप मेडिक पास कर जाओगे फिजिकल एग्जाम, ठीक है।
अभी जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट साइड से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है, सिक्किम वगैरह जो उस साइड से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स 152 सेंटीमीटर होने चाहिए, ठीक है, तो ही आप आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे चेस्ट की बात करते हैं, जो पुरुष के लिए है 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो कैंडिडेट्स गाइस एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी स्टेट के मतलब पूरे भारत में अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर मतलब 162 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान के चलो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट से बल्कि जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी हाइट यहाँ पे 150 सेंटीमीटर है। अभी जो पुरुष है मेल कैंडिडेट्स के लिए, उनको 76 सेंटीमीटर चेस्ट मिल रही है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, मणिपुर से बिलोंग करता है, मेघालय से बिलोंग करता है, मिजोरम से, त्रिपुरा, ठीक है, तो उनको यहाँ पे वापस जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे 160 सेंटीमीटर मिल रहा है, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर मिल रहा है, और उन जो मेल है उनको यहाँ पे 76 सेंटीमीटर चेस्ट मापनी है, ठीक है। इसमें आपको किसी प्रकार का स्पेक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है ये डिफेंस की जॉब है, ठीक है। सैलरी के बाद में हमने तो आपको बता दिया, ठीक है, तो आपकी सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगी। फिजिकल टेस्ट में गाइस आपकी जो हाइट वेट जो कुछ है वो बहुत अच्छे से मापेंगे, फिर उसके बाद आपको सीधा बिठाएगा, किसके लिए गाइस, आपको रिटर्न एग्जाम के लिए बिठाएगा। फिर जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें से नहीं गाइस, सॉरी गाइस मैं आपको भूल गया बताने, इसमें आपके रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाले, बस फिजिकल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट में ये जो मैंने अभी बताया आपको हाइट और वेट के बारे में, चेस्ट के बारे में, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी ये जो भर्ती आई है ये स्पोर्ट वालों के लिए आई है, ठीक है, जो मतलब ओलंपिक्स में खेले, वर्ल्ड चैंपियन में खेले, वर्ल्ड कप में खेले, एशियन गेम में खेले, कॉमनवेल्थ गेम में खेले हैं, तो वही कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं मतलब जिन्होंने 10वीं किया है और कुछ खेला नहीं है, कुछ किया नहीं है, तो वो कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो खेल है, ठीक है, मतलब बॉक्सिंग हो गया, शूटिंग हो गया, रेस्लिंग हो गया, जूडो हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो खेल, जैसे 12 खेल आप देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे, अगर आप ये खेले हो, इंटरनेशनल आपके पास सर्टिफिकेट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है गाइस। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।